सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप वी एन एडिटर एप्लीकेशन को यूज करके इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग रील्स वीडियो दोस्तों एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो दोस्तों एडिटिंग करना बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप लोग भी कर सकते हो वन स्टेप में। और इस तरह का वीडियो दोस्तों अभी का टाइम में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि आखिर आप लोग को इस तरह का रील्स वीडियो एडिटिंग करना कैसे है। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना एंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल करना। चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह का वीडियोस एडिटिंग करने वाले हैं दोस्तों हम वीएन एप्लीकेशन में। अगर आपके पास वीएन एप्लीकेशन नहीं है ना, तो सिंपली आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना, देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर सर्च कर देना है ओनली वीएन। ठीक है, तो इस तरह से वीएन लिख करके सर्च कर देना, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर आ चुकी है वीएन, तो आप लोग को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो दोस्तों आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह से ओपन कर लेना दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, तो आप लोग को भी इस तरह से डाउनलोड करके ओपन कर लेना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपने पहले से कोई भी वीडियो अगर एडिट करके रखा होगा दोस्तों, तो आपका वीडियो यहाँ पर शो हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोग को न्यू वीडियो एडिट करने के लिए देना, आप लोग को यहाँ पर प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना। ठीक है, इस तरह से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इस तरह से न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, देन उसके बाद आप लोग को यहाँ से फोटो का फाइल जो भी रहेगा दोस्तों यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी फोटोस में लिरिक्स वीडियो बनाना चाहते दोस्तों, वो फोटो को यहाँ से ऐड कर लेना। ठीक है, तो चलिए मैं ये वाली फोटो यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, तो आप लोग को भी इस तरह से ऐड कर लेना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मेरा फोटो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। उसके बाद आप लोग को लास्ट में आ जाना, लास्ट में आप लोग को एक वीएन एप्लीकेशन को वाटरमार्क मिलेगा, सिंपली आपको यहाँ से इस तरह से डिलीट कर देना। ठीक है, डिलीट करने के बाद आप लोग को फोटो का लेंथ कुछ इस तरह से 10-15 सेकंड का जितना भी आपने वीडियो बनाना चाहते हो दोस्तों, जितना बड़ा आप लोग को इस तरह से बढ़ा देना। ठीक है, बढ़ाने के बाद आप लोग को यहाँ पर फर्स्ट में आ जाना। फिर से फर्स्ट में आने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक ओरिजिनल का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये वाली, तो आप लोग को ओरिजिनल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक टिकटॉक वाला ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली ये वाली। ठीक है, 9:16, देन आप लोग को इसके ऊपर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट कर लेना, देन आप लोग को फोटो के ऊपर कुछ इस तरह से क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को फोटो को कुछ इस तरह से यहाँ से छोटा कर देना अपने हिसाब से, देन यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लोग को एडजस्ट करके बिठा देना। ठीक है, इस तरह से बिठा देना। उसके बाद आप लोग को इसमें एक सेकंड फोटो और भी ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो सेकंड फोटो ऐड करने के लिए सिंपली इस बार आप लोग को यहाँ पर एक PIP का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली ये वाली फोटो वाले। ठीक है, तो आप लोग को फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर वीडियो एंड फोटो पे क्लिक कर देना। ठीक है, इस तरह से वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करना दोस्तों, उसके बाद आप लोग को यहाँ से नेक्स्ट फोटो इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ से नेक्स्ट फोटो ऐड कर लिया, तो आप लोग को भी इस तरह से ऐड कर लेना। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, ये फोटो थोड़ा मेरे को बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको ये छोटा करना चाहता हूँ। तो देन आप लोग को यहाँ पर एक कटआउट का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली सिंपली मैं आपको मार्किंग लगा के दिखा देता हूँ, जैसे कि देख सकते हो ये वाले। ठीक है, तो आप लोग कटआउट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से आप जो है इंस्टाग्राम 1:1 ये वाला सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से 1:1 वाला सिलेक्ट कर लेना, देन उसके बाद आप लोग को यहाँ से ओके कर देना। इस तरह से ओके कर देना दोस्तों, उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से कुछ इस तरह से दोनों फोटो को एडजस्ट कर लेना। ठीक है, एडजस्ट इस तरह से कर लेना दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो यहाँ से मैंने एडजस्ट कर लिया, तो इस तरह से आप लोग को एडजस्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने के बाद आप लोग का वीडियो का लेंथ जितना भी रहेगा सिंपली इसको भी इस तरह से पूरा कर देना। ठीक है, पूरा करने के बाद सिंपली आपको फिर से यहाँ पर फर्स्ट में आ जाना। फर्स्ट में आने के बाद आप लोग को इसमें एक ब्लैक शैडो ऐड करना पड़ेगा, तो ब्लैक शैडो ऐड करने के लिए देन आप लोग को फिर से यहाँ पर PIP वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आप लोग को फिर से यहाँ पर वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को ये वाला शैडो दोस्तों ऐड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया, तो आप लोग को भी इस तरह से ये वाला शैडो ऐड कर लेना दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं जो जो भी यूज करूंगा दोस्तों, सारा आप लोग को हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप लोग कुछ इस तरह से ऐड कर लेना दोस्तों। ऐड करने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ पर जितना भी वीडियो का लेंथ रहेगा सिंपली इसको भी बढ़ा देना इस तरह से। फिर से आप लोग को फर्स्ट में आ देना। ठीक है, फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों फिर से आप लोग को यहाँ पर PIP वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन फिर से आप लोग को यहाँ पर वीडियो एंड फोटो पे क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद आप लोग को इस बार यहाँ पर वीडियो वाला ऑप्शन पे आ जाना है। वीडियो वाला ऑप्शन पे आने के बाद दोस्तों आप लोग को ये वाला वीडियो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो पहले भी बताया मैंने दोस्तों, आप लोग को जो जो भी मैं इसमें यूज करूंगा सारा आप लोग को हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग को कहीं भी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग को आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद आप लोग को इसको भी कुछ इस तरह से ऐड कर लेना दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने ऐड कर लिया है, तो सिंपली उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा देर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक फिल का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये वाले। ठीक है, तो आप लोग को इस तरह से फिल कर देना। फिल करने के बाद जैसे कि देख सकते हो हमारा यहाँ पर पूरा फुल स्क्रीन हो चुकी है। ठीक है,
उसके बाद आप लोग को इसमें एक ब्लैक पार्ट जो दिख रहा है दोस्तों, ये वाली, तो आप लोग को ब्लैक पार्ट जो है हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लैक पार्ट को हटाने के लिए आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है सिंपली, ये वाले, ठीक है। तो आप लोग को ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक हल्का का ऑप्शन मिल जाता है सिंपली, ये वाली, जैसे कि देख सकते हो ये वाली। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक स्किन का भी ऑप्शन मिल जाता है सिंपली, ये वाले, ठीक है। तो आप लोग को इसमें ये दोनों ऑप्शन में आप लोग को कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो मैं ये वाले हल्का वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से बैकग्राउंड मेरा रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह से आप लोग को बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोग को वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो अभी आपका वीडियो दोस्तों नॉर्मल है। देन उसके बाद आप लोग को इसमें एक लिरिक्स ऐड करना पड़ेगा। तो लिरिक्स ऐड करने के लिए सेम ट्रिक है, फिर से आप लोग को यहाँ पर फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन फिर से आप लोग को यहाँ पर वीडियो एंड फोटो पर क्लिक कर देने। उसके बाद आप लोग को ये वाला लिरिक्स वीडियो दोस्तों ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग फिर से थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद फिर से आप लोग को यहाँ से इस तरह से फिल कर देना दोस्तों, ठीक है। फिल करने के बाद आप लोग को फिर से थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक क्रोमा का ऑप्शन मिल जाता है सिंपली, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये वाले, ठीक है। तो आप लोग को क्रोमा वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देख सकते हो आप लोग एक राउंड जैसा सर्किल यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो आप लोग को इस सर्किल को खींच करके दोस्तों आप लोग को ग्रीन कलर के ऊपर इस तरह से रख देना, ठीक है। इस तरह से रख देना, जैसे कि देख सकते हो हमारा ग्रीन का कलर जो भी था दोस्तों यहाँ से हट चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को ग्रीन कलर के ऊपर रख देना। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ से ओके कर देना, इस तरह से, इस तरह से ओके कर देना। जैसे कि देख सकते हो हमारा वीडियो इस तरह से बनकर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आप लोग को लिरिक्स को भी कुछ इस तरह से अपने हिसाब से दोस्तों एडजस्ट कर सकते हो, इस तरह से, जैसे कि आप घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो लिरिक्स कुछ इस तरह से बनकर के कम्प्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से आप लोग जो है न्यू ट्रेंडिंग वाले रील्स वीडियो दोस्तों एडिटिंग कर सकते हो। उसके बाद आप लोग को इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोग को सिंपली, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है सिंपली, ये वाली। तो आप लोग को एक्सपोर्ट के ऊपर इस तरह से क्लिक करना है। एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये दोनों को कभी भी पूरा 100% करके रखना, इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो तीन ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो आप लोग ये दोनों को 100% करके रखना, ठीक है। उसके बाद आप लोग को इसको जो है 50 के आसपास कुछ इस तरह से आप लोग को रख देना है। रखने के बाद क्या होगा दोस्तों, आपका वीडियो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी में डाउनलोड हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को नीचे में नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हमारा वीडियो यहाँ सेव होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग को इसको 100% होने देना है। आप लोग का वीडियो जो है वीडियो का फाइल में दोस्तों सेव हो जाएगा। तो आप लोग कहीं पर भी इसको जो अपलोड कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से 100% होने देना दोस्तों। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक डन का ऑप्शन मिल जाता है सिंपली, ये वाली। उसके बाद आप लोग को यहाँ से डन कर देना, ठीक है। तो इस तरह से डन कर देना। उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पर इस तरह से VN एप्लीकेशन में बाइक आ जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है ट्रेंडिंग वाले लिरिक्स वीडियो दोस्तों एडिटिंग कर सकते हो। वीडियो की जानकारी कैसे लगे दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, और हमारे तारा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। तब तक मिलते हैं फिर से, बाय बाय।